ये पहले समझ लो ये टॉपिक हमारे कहाँ काम आने वाला है। देखो परम्यूटेशन आपका मतलब क्या होता है पहले क्लियर कर लेते। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंज कर, अरेंजमेंट। जैसे हम अरेंज कर रहे हैं कि हमें आपके पांच सब्जेक्ट हैं, पांच सब्जेक्ट को मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल या फिजिक्स, केमिस्ट्री अरेंज करना, कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। अब परम्यूट करने के लिए जैसे आपको गर्ल्स बॉयज को अरेंज करना है, गर्ल्स बॉय, गर्ल बॉय, तो ऐसे कितने तरीके हमारे पास अरेंज करने के, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। इसी परम्यूटेशन के आगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमें क्या सीखना है, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो क्लियर कर लेते हैं। फैक्टोरियल का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए 4 फैक्टोरियल, इसको बहुत सी बुक में ये सिंबल में दिया हुआ, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 का प्रोडक्ट 1 तक, 4 × 3 × 2 × 1। तो आपने देखा 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, ये 24 इसका फैक्टोरियल आ गया। आपको चाहिए यू हैव टू कैलकुलेट 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आया दैट इज कॉल्ड इट्स फैक्टोरियल। ये हमें परम्यूटेशन का एक बेसिक नॉलेज लेने के लिए सीखना पड़ेगा। अब देखो इसमें आपको मैं बता देता हूँ, जैसे सपोज अगर मैं बोलता हूँ 0 फैक्टोरियल चाहिए, तो बता सकते हो 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या आएगा? 0 0 फैक्टोरियल। देखो इसको इन्होंने यूनिवर्सली एज्यूम कर लिया इसका वैल्यू 1 है, क्योंकि क्योंकि हम लोग फैक्टोरियल कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। 0 फैक्टोरियल में कोई नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो 0 1 का मतलब 0 को अगर हम परम्यूट करें, 0 बंधों को अरेंज करें, तो उसका वैल्यू 1 ही आए, क्योंकि ऐसा एक ही तरीका जब हम किसी को अरेंज नहीं कर रहे, तो हम लोग 0 फैक्टोरियल को एक तरह से 1 वैल्यू मान लेते हैं। अगर मेरे को चाहिए 2 फैक्टोरियल तो सिंपली 2 × 1, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, उसको दूसरे तरीके में आप लिखना चाहो तो 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, उसको आधे में रोक कर 3 × 2 फैक्टोरियल। जैसे आपने 5 फैक्टोरियल लिखा तो 5 × 4 × बीच से ब्रेक करके 3 फैक्टोरियल कर सकते हो। इसका एप्लीकेशन क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा क्यों हम ऐसा करते हैं। तो फैक्टोरियल का बेसिकली आपने जो समझा मतलब वो है मल्टीप्लाई करना नेचुरल नंबर को। जैसे आपके नंबर दिए हैं 6 × 3 × या आप अगर देखो 6 × 3 आपको दिया है और इसको बोला फैक्टोरियल में बदलो, तो आप क्या करोगे 3 कॉमन ले लिया 2 × 1, और आपको बोला 3 × 2 × 1 जो हो नहीं, जस्ट वेट, इसमें अगर हम दूसरे तरीके से देखें, इसमें से 3 कॉमन लिया और इसमें से 3 कॉमन लिया, यहां से लिया 2, यहां से लिया 3 कॉमन, तो यहाँ 2 बार हमने 3 का कॉमन लिया, तो ये हुआ 3 स्क्वायर और 2 × 1 2 फैक्टोरियल। यानी ये 6 × 3 को अगर आपको फैक्टोरियल में बदलना है तो 3 स्क्वायर × 2 फैक्टोरियल। जैसे एक और मैं बोलता हूँ, आपको ये दिया है 2 × 4 × 6 × 8 × 10, इन सभी को आपको फैक्टोरियल में बदलना है, तो आपको पता है इसमें से 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 2, 6 × 2 = 3, 8 × 2 = 4, 10 × 2 = 5, 10। देखो 2 आपके 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो आपने 2 raised to 5 बाहर ले लिया। यहाँ आपके नंबर 1 × 4 × 3 × 4 × 5, अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, जिसको हम 5 फैक्टोरियल यानी 2 raised to 5 × 5 ऐसे भी लिख सकते हो, 5 फैक्टोरियल। तो कोई भी नंबर को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बच्चों आपको आया पहले समझ में, पहले बताओ? यस सर। इस तरीके डाउट है तो मेरे को डिस्कस कर लेना फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्या है। अब देखो मैं दूसरा बता रहा हूं, अगर मेरे को फैक्टोरियल में एचसीएफ चाहिए, मेरे को 6 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल का HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, फैक्टर क्या है,
अब बता सकते हो इसका एचसीएफ क्या आएगा? मनसा तुम बताओ, बता सकते हो मनसा क्या इसका फैक्टोरियल आएगा? सर 6 फैक्टोरियल। हाँ यार सॉरी 6 फैक्टोरियल। देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1। 8 फैक्टोरियल का 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1। अगर हम देखें कॉमन फैक्टर कौन से, यहां से यहां तक पूरे कॉमन है, एक तरह का 6 फैक्टोरियल आपका एचसीएफ हो गया। तो एचसीएफ होता है कॉमन मल्टीपल्स दोनों में आ रहे हैं। तो कभी भी आप फैक्टोरियल में देखो तो जो नंबर छोटा है वो डायरेक्टली आपका एक तरह का एचसीएफ हो जाता है। अगर मैं 10 फैक्टोरियल बोल लूं और यहां 3 फैक्टोरियल बोलूं तो आपको बिना देखे समझे ही बोल देना 3 फैक्टोरियल इज द एचसीएफ। ये दोनों में कॉमन आना ही आना है। अगर आपने 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल बोला तो 7 फैक्टोरियल आपका एचसीएफ होगा ही होगा। हां बोलो समृद्ध, क्या पूछना है बेटा? बताओ समृद्ध। कुछ नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं पूछा नहीं था, बोल रहा था वो। अच्छा इसी तरीके से अगर आपको एलसीएम निकालना हो, जैसे मेरे को 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में 5 फैक्टोरियल 1 5 फैक्टर 5 * 4 * 3 * 2 * 1। देखो ये तो कॉमन आ गए, ये अनकॉमन इसके साथ है तो आपने पहले कॉमन लिख लिए, इसके बाद अनकॉमन उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में आपका 5 फैक्टोरियल। तो एक तरह से कभी भी आप एलसीएम निकालो तो जो उनमें से बड़ा नंबर है वो आपका एलसीएम और जो छोटा नंबर है वो आपका एचसीएफ। ये इजी तरीका है। कभी भी आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन है बोले इनमें से इसका एचसीएफ निकालो, जैसे मैंने बोला 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, इसका एचसीएफ क्या होगा समृद्ध? एचसीएफ क्या होगा? 3 फैक्टोरियल एचसीएफ। बिल्कुल बिल्कुल। और तुम बताओ धैर्य, इसका एलसीएम क्या होगा? सर 3 फैक्टोरियल एलसीएम, सॉरी सॉरी 6 फैक्टोरियल। ये एलसीएम और ये एचसीएफ, जो छोटा है वो आपका एचसीएफ और जो बड़ा है वो आपका एलसीएम हो गया। बिल्कुल परफेक्ट। अब जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसमें आपको ये क्वेश्चन है n + 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60 * n + n - 1 फैक्टोरियल। आपको बोला n की वैल्यू क्या होगी, क्या n में पुट करें जिससे ये दोनों इक्वल आएंगे? तो आपने किया जो बड़ा नंबर उसको ब्रेक करो, n + 2 * n + 1 * n * n - 1 फैक्टोरियल, 60 * n - 1 फैक्टोरियल। दोनों साइड से n - 1 फैक्टोरियल कैंसिल, तो जो बड़ा नंबर उसको आप छोटे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो n + 2 into n plus 1 into n, ये consecutive multiple हो गए। 60 आपको पता है, 60 के अगर factors निकाले हम 230, 215, 3551, तो आप देखोगे 345। अगर हम यहाँ देखें तो 5 into 4 into 3 करने से 6 मतलब 60 आता है। तो इसमें से वो बड़ा number है वो 5 n plus 2 के बराबर हो गया, आपका n plus 1 और n आपका 3, तो n का वैल्यू आपका 3 आ गया, यानी 3, 3 plus 1 4, 3 plus 2 5, तो n की वैल्यू इस कॉन्सेप्ट में 3 आ गई। बच्चों ये समझ में आया आपको n कैसे कैलकुलेट किया? सर यस सर यस सर। हां बोलो अभिनव, बोलो बेटा। सर n plus, सर जब आपने n plus 2 का फैक्टोरियल निकाला तो सर n minus 1 तक क्यों किया, n तक क्यों होना चाहिए था? देखो दोनों साइड से n plus 1 कैंसिल कर दोगे तो फैक्टोरियल वाली टर्म हट जाएगी, तो आपके पास सिंपली ये नंबर ही ढूंढने बाकी रह जाएंगे। अगर आप नहीं करते हो तो उससे क्या होगा, फैक्टोरियल तो बहुत लंबा होता है और n हमें पता नहीं कहां तक पहुंचना है, इसलिए जहां तक ये आए वहीं तक n plus 2 को ब्रेक कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर है 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, इसका आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे जो बड़ा नंबर उसको ब्रेक करो 6 * 5 * 4 * 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल ये कट हो गए, 30 34 जा 120, तो इसका आंसर सीधा 120 आ गया। बिना पूरा सॉल्व किए 3 फैक्टोरियल आते इसको कट करोगे वैसे आपका आंसर इससे मैच हो जाएगा। बच्चों ये आया समझ में? पहले ये बताओ। ओके सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आपको मेरे को ये बताना,
इसके बाद मैं 10 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिस दूंगा, 10-15 मिनट आप मेरे जो वर्कशीट दी है वो सबको वर्कशीट मिल गई एक बार चेक कर लो जरा, किसी का वर्कशीट नहीं है तो फिर मैं उसको भेजूं। सर मेरे पास सभी के पास ठीक है। देखो ये वर्कशीट में अभी मैं तुमको वर्कशीट दे रहा हूँ, उससे पहले मैं ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके देना। क्वेश्चन ये दिया है x by 10 factorial equal to 1 by 8 factorial plus 1 by 9 factorial। x की वैल्यू क्या होगी जो इस इन दोनों मतलब ये इक्वेशन के कंडीशन में x की वैल्यू क्या आएगी? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ को सिंपलीफाई करो। 8 और 9 का एलसीएम आपको होता है 9 फैक्टोरियल होता है जो बड़ा होता है। 8 फैक्टोरियल को अगर तुम 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर नीचे आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 फैक्टोरियल को 1 से करोगे तो 1 का तो 1 ही रहेगा, x अपॉन 10 फैक्टोरियल। अब x की वैल्यू चाहिए तो 10 अपॉन 9 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल ऊपर चला गया। अब आपको इनको काटना है तो 10 फैक्टोरियल 10 * 9 फैक्टोरियल लिख दिया, 9 से 9 कैंसिल, 10 10 = 100, तो x का वैल्यू अपने आप ही 100 आ जाएगा। अविनव ये समझ आया बेटा? हां सर समझ आया। चलो आप लोगों को मैं 15 मिनट दे रहा हूं, वर्कशीट जो दी है फटाफट उस वर्कशीट को कर। सर आप बोलो बेटा मारिया। सर मुझे नहीं मिली वर्कशीट। हां मुझे भी नहीं मिली सर, मुझे भी मेरा नहीं है। अरे तेरा नहीं है? अच्छा आवाज में अंदर तो मोहब्बत है सर, उसके अंदर हम 5 फैक्टोरियल ऐड कर देंगे ना 51st वाले में। मैंने क्वेश्चन नहीं देखा बेटा, देख लो। राइट द फॉलोइंग नंबर इन फैक्टोरियल फॉर्म। आप देख रहे हो 6 × 7 × 8 × 9 = 12 तक है, लेकिन फैक्टोरियल में 1 नंबर से चालू होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जैसे मनसा ने 12 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, आप इस नंबर में 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × 12 दिया ना, तो अब आगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई करो, उतना ही नीचे डिवाइड कर दो। जैसे आप डिवाइड मतलब इतना एक्स्ट्रा लोगे तो ये पूरा फैक्टोरियल हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, और नीचे भी कंटिन्यू 5 फैक्टोरियल, तो ये पूरे तरह फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गए। अभिनव आया समझ में? यस सर। क्योंकि देखो यहाँ तक तो कंटिन्यू, लेकिन इसके आगे नेचुरल नंबर 1 to 5 नहीं दिए, उतने अपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई को उतने एक्स्ट्रा डिवाइड करोगे तो ये पूरा फैक्टोरियल में कन्वर्जन हो जाएगा और नीचे भी फैक्टोरियल आ जाएगा तुम्हारा। और कोई क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आया सर? थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो, थर्ड में 1/10 थर्ड का बता देता हूँ। तो थर्ड में क्या देंगे, 1/10 फैक्टोरियल, 1/11 फैक्टोरियल, 1/12 फैक्टोरियल। आपको तो एलसीएम तो 12 फैक्टोरियल है जो बड़ा है। अब आपको पता है 10 को 12 फैक्टोरियल करने के लिए ऊपर नीचे 11 × 12 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे, तो ये नीचे 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 11 × 12 = 132। 11 फैक्टोरियल को 12 करने के लिए इंटू 12 करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 12 आ गया। 12 को 12 तो है तो 1 ही रहेगा, और ऊपर पूरा देखोगे तो 145 अपॉन 12 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर मैच हो गया। धरिया आया समझ नहीं? यस सर। हाँ बोलो। हाँ महेंद्र सर, 7th वाले में मैं 7th वाले में मैंने हाँ बोलो 7th वाले में 10
प्लस वन इंटू एन इज इक्वल टू 12, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बताता हूँ उसको कैसे करें, बहुत आसान तरीका है। हाँ। जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन इसमें देखो मिडिल टर्म फिटिंग हो जाएगा ना, फिर मिडिल टर्म भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी ले सकते हो। n plus 1 factorial 1 into n 12 into n minus 1 factorial, तो n plus 1 into n into n, n into n plus minus 1। हाँ, इससे n minus 1 दोनों साइड से कट हो जाएगा, दोनों साइड से कट हो जाएगा। हाँ, अब देखो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, तो 12 आपका 4 3 का 12, तो आपका जो n plus 1 है 4 और n का वैल्यू 3। अब ओके डायरेक्टली ऐसे करना है, बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं या मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। सर फिफ्थ वाला का सेकंड पार्ट नहीं आया मुझे, फिफ्थ का सेकंड नहीं आया, देखो सर 3 कॉमन ले लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, ओके ओके ओके, देखो उसने जो बता दिया आइडिया बिल्कुल परफेक्ट है। 3 1 3 6 3 2 6 4 5 ओके सर, 3 4 लेकिन 3 5 टाइम्स आएगा बाहर, अकेले नहीं आएगा, 3:5 वन इंटू टू इंटू 3 5 फैक्टोरियल, ये इसका आ गया। ओके सर, आया समझ में कि नहीं आया? आ गया सर। चलो मैं नया कंसेप्ट सिखाऊं, अगर ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सर एक मिनट, कौन सा बेटा? सर 14th वाले में पहले में डाउट, 14th में पहले में डाउट है, पहले का डाउट 14th का पहला। देखो सर बोले n factorial by r factorial, तो फिर उसमें r plus 1 क्यों दिखा रहे हैं राइट हैंड साइड में? देखो मैं इसका वही बताऊंगा, जो इजी लॉजिक ये है, n factorial divided by r factorial दिया, तो यूजली होता क्या है कि जब आप इसको ओपन करते हो तो आपको r factorial से डिवाइड करना होता है, तो आप कैसे लिखोगे? ऊपर वाले टर्म को आपको ओपन करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, n n plus 1 n plus 2, ऐसे करते 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 एक टर्म आएगा कि क्योंकि r फैक्टोरियल से छोटा टर्म है, तो आप यहां लिखोगे r plus 1 फिर r माइनस, लेकिन यहां आगे यहीं ब्रेक कर दो और नीचे r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, ये आपका आंसर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल को आप 7 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 into 9 into 8 into 7, तो 7 से पहले 7 plus 1 8 आता है, ऐसे r से पहले r plus 1 आएगा, यहाँ r आएगा तो r से r cancel, तो ये बुरा का आंसर आ जाएगा। ओके सर ठीक है, गुड सर। बट r factorial बड़ा भी तो हो सकता है n factorial से, क्या बोल रहे हो बेटा? हेलो r factorial n factorial, यस yes, सर r factorial n factorial से बड़ा भी तो हो सकता है, पर नहीं, r factorial 8 factorial से बड़ा हो सकता है, वो सही है, लेकिन आगे हम तो descending order में कर रहे हैं, जैसे आपने 10, 9, 8, ये 7 है तो 7 से पहले 8 आएगा, अगर ये 8 है तो 8 से पहले 9 आएगा, तो हमारा r है तो r plus 1, क्योंकि ऊपर वाले को हम जब तोड़ रहे हैं तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं। अगर इसको लॉजिकली सोचो तो वो हमने अगर नीचे 8 लिया तो ये 9 होगा, अगर ये 7 लिया तो ये 8 कंपलसरी होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं बच्चों? यस सर। चलो अब मैं तुम्हें दूसरा रूल्स बता रहा हूँ, लेकिन उसका इसमें एक गड़बड़ हो जाएगी, परम्यूटेशन अंश तुम्हें आ रहा है बेटा अंश समझ में? अंश सर कोई डाउट तो नहीं आया ये फैक्टोरियल में? नहीं सर, थोड़ी बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फर्स्ट टाइम थोड़ा। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको, आज तो क्या है कि थोड़ा सा टाइमिंग मेरा क्या है उसमें गड़बड़ हो गया, क्योंकि आज बारिश के कारण है थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ लेकिन बीच में रुक जाएगा परम्यूटेशन वाला, नेक्स्ट टाइम हम परम्यूटेशन ले लेंगे। ठीक है, आज का इतना रखते हैं, और जिसके मैंने लॉगरिथम के डाउट बाकी आज तक खत्म कर दो, सैटरडे को सेम टाइम पर हम 2:15 को मिलेंगे। आप लोगों को मॉर्निंग का टाइम सेट हो रहा है कि नहीं? के सामने